दोस्तों अपने आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं वेताल टेकड़ी, जिसको वेताल हिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये है पाषाण पुणे में। तो चलिए चलते हैं। वेताल टेकड़ी से मुझे वो विक्रम वेताल आता था ना सीरियल, उसकी याद आती। मुझे ऐसा लगता कोई हॉरर जगह होगी। और अपने आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं वेताल टेकड़ी। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वाकड़, वहाँ से वेताल टेकड़ी का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर। और अभी हम हैं पुणे बेंगलोर हाईवे पे, हमें अप्रोक्सीमेट 30-40 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम वहाँ पहुँचने में। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं एक नई जगह वेताल टेकड़ी। अभी हम पहुंचे हैं पॉड रोड और दक्ष सो गया है। और ये हम एंटर हो गए हैं वेताल टेकड़ी के गेट से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था रास्ता, इवन हमें गूगल मैप ने भी कंफ्यूज कर दिया। फिर हमें पूछ पूछ के आना पड़ा लोगों से, बट फाइनली यहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखिए एकदम शांत पीसफुल और कितनी ग्रीनरी है। पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे गाइस, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए। तो ये हम पहुंच गए वेताल टेकड़ी फाइनली, और बारिश हो रही है हल्की हल्की। मॉनसून में पुणे एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट सीजन है। देखिए मंकीज, ओरिजिनल नहीं है। ये देखिए पूरा जंगल। रोप क्लाइंबिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। हम चलते चलते जंगल में पहुंच गए। तो वेताल टेकड़ी, वेताल हिल जो है वो बेसिकली एक जंगल है। तो ट्रैकिंग के लिए, वीकेंड पे एक पिकनिक के लिए बहुत अच्छा एक प्लेस है। और मॉर्निंग में भी काफी लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। पता नहीं है सारे के सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, हम भी बस इनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आई डोंट नो आगे आगे कुछ है कि नहीं है, अभी किसी से पूछ के पता करते हैं। बस ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है ये, ग्रीनरी बहुत है एंड पीस बहुत है यहाँ पे। इतना पीसफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। और देखिए काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं अभी भी। हमें लगा था कि हम लेट हो गए हैं शायद आने में, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं कि जो आ रहे हैं। बट किधर है जाना क्या है, आई मीन मेन डेस्टिनेशन या मेन पॉइंट यहाँ का क्या है, वो अभी तक हमें नहीं पता है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हे दक्षी, एंजॉयिंग। वेताल टेकड़ी से मुझे वो विक्रम वेताल आता था ना सीरियल, उसकी याद आती। मुझे ऐसा लगता कोई हॉरर जगह होगी, ऐसा लग रहा था। ओके, तो ये तो कुछ लग रहा है पॉइंट है आगे। सारे के सारे लोग यहाँ आ रहे थे, अब पता चला कुछ तो है। बट ये रास्ता ही बहुत अच्छा था ट्रैकिंग के लिए। हाँ हाँ, कितना खुला खुला सा लग रहा है इधर।
देखिए आसमान कितना क्लाउडी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, रिमझिम 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 बारिश की फुहारे। अच्छा ओके, ये है पॉन्ड, इसके नीचे भी गए काफी लोग, देखो वहां तक गए हैं। ये पूरा बाउंड्री की थी आई थिंक, ये लोगों ने ना जाने के लिए बाउंड्री ऐसे तोड़ के जाने का रास्ता बनाया है। देख के ओ माय गॉड, काफी डेंजरस है यहाँ पे, सो बी केयरफुल, काफी गहरा है। मड बहुत ही स्लीपरी हो गया है ये बहुत ज़्यादा, तो बी वेरी केयरफुल अगर आप बारिश के टाइम पे आ रहे हैं, और शूज़ पहन के आइए, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ट्रैकिंग करने में। तो ये देखिए मेन पॉइंट पे आके वेटाल टेकड़ी की, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत अच्छा सा पिकनिक स्पॉट है ये। ये देखिए अपने शूज की हालत दिखाती हूँ मैं, कितनी ज्यादा मिट्टी लग गई इसमें, चिपक गई है। और दक्ष के दिखाइए, दक्ष अपने दिखाइए, ये देखो हमारे दिख रही है यार, दिख गए आपके भी दिख गए, ये देख तो मेरी बात, ये देखिए एक पूरी मोटी सी लेयर लग गई है मिट्टी की, हील बन गई है शूज में। हाँ हाँ, देखिए अभी हम लोग ये वाले पॉइंट पे थे यहाँ पर, यहाँ से अभी हम आई है रास्ते से, नहीं हाँ यहाँ से लग रहा है कि कॉर्नर में खड़े थे वो। बहुत डेंजरस जगह भी है, जगह भी है ये, लोग कॉर्नर पे खड़े होके अच्छी अच्छी सेल्फी लेते हैं, लेकिन ऐसे साइड में खड़े होके सेल्फी नीचे के साइड बिल्कुल मत लीजिए। आप खूबसूरत हैं यार, आप कैसे भी सेल्फी लोगे किसी भी जगह में अच्छी आएगी, लोग व्यू और सेल्फी साथ में मिक्स करने के चक्कर में ना कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो देखिए एक नीचे आपको दिख रहा पानी में डॉग, दिखा दक्ष ये, अरे वो पानी में मस्ती कर रहा है, दक्ष को भी छोड़ दे। डॉग्स बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, उनको स्विमिंग सिखाने नहीं पड़ती, वो ऐसे सीख जाते, वो चला गया। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कोई शॉप्स वगैरह नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने खाने पीने के लिए चीजें लेके आइए। हम भी कुछ लेके नहीं आए, बस एक चिप्स का पैकेट था तो हम अभी ये खा रहे हैं, बट ये जो भी कूड़ा आप यहाँ पे लेके आएंगे वो अपने साथ लेके जाइएगा, प्लीज यहाँ छोड़ के मत जाइए। देखिए अब यहाँ पे पास में पहुंच गए, वो नीचे डॉगी हाथ कितनी मस्ती कर रहा है, उसकी चेन नहीं खोली गले की, वो डॉगी को कितने मजे आ रहे पानी में। हम नीचे पानी में तो नहीं जा सकते, लेकिन हम एक डॉगी को देख के ही मजे ले रहे हैं यहाँ से। मैक्स मैक्स मैक्स, वो देख रहा, देखो वो डॉगी का नाम मैक्स है, हमने पूछा अभी। ये लोग कहाँ जा रहे पानी में, हम लोग आपको पानी में जाके तो नहीं दिखा सकते इस वीडियो में, लेकिन आप और लोग तो दिखा सकते हैं जो पानी में जा रहे हैं, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं, इतना साफ पानी भी नहीं है यहाँ का, पता नहीं आई थिंक ये बारिश का पानी होगा या नीचे से कहीं आ रहा है, आई डोंट नो। बारिश का पानी भी आई थिंक बारिश का ही पानी है ये, बारिश का पानी खट्टा हो गया है नीचे। और ये जो है ना एरिया, ये मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बनाया गया है। देखो ये लग रहा है कि पहाड़ काटे हैं, और ये पूरा एरिया ऐसे पहाड़ काट के बनाया गया है ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम लोग भी नीचे जा रहे हैं, तो
तो जितना मुझे पता चला है वेताल टेकड़ी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक फॉरेस्ट है और एक बहुत अच्छा प्लेस है ट्रैकिंग के लिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या वीकेंड पे आप अपने वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये बनाया गया है ऐसा जो आप बीच में पॉन्ड देख रहे हैं या ऐसा गड्ढा टाइप का, लेकिन मैंने अभी किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये नेचुरली ऐसा है और ये पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है इसमें। अभी काफी कम पानी है, अभी ये नहीं पता है कि पानी जमीन के नीचे से आता है या फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है इसके अंदर। इधर हम आगे, इधर कुछ नहीं है, इसके नीचे रास्ता बंद है, ये बस एंड है यहाँ पे। अभी किधर से जाते हैं इसके आगे, आई डोंट नो। माय गॉड, दक्ष बहुत डेंजरस है ये, देखो ये नीचे, देखिए नीचे पूरी खाई है। बहुत यहाँ पे ध्यान से आइएगा, एक तो बारिश के टाइम पे बहुत स्लीपरी हो गया है और ऐसा नॉटी बच्चा हो साथ में फिर तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इधर बुल भी आ गए हैं। She's working hard. और यहाँ पे कुछ बच्चे अपने साइकिलिंग के टर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो गए इवनिंग के और हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं, बट अभी भी काफी लोग हैं जो आ रहे हैं। अंधेरा सा होने लगा इधर। अभी भी काफी लोग हैं जो आ रहे हैं, इतना लेट भी 6:30 हो गया है और बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी है, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। ओपन जिम भी है यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं वेताल टेकड़ी से बाहर और अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो गाइज ये था मेरा व्लॉग वेताल टेकड़ी, वेताल हिल के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह है, आपको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए एक बार। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय।